तो मैकेनिक दोस्तों, जब आप नए एमसी किट का फिटिंग करें तो कोशिश करें सबसे पहले यहाँ पे जो दो हॉल हैं इसकी क्लीनिंग जो है परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एमसी किट प्रॉपर डाल दिया, ऑयल भी प्रॉपर फिलअप कर दिया, फिर भी यहाँ से प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक क्लच का वायर लेना है, एकदम नॉर्मल पतला सा कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे फ्रंट पे जो हॉल है उसके अंदर आपको जो है प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना है। किस तरह से करना है चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। तो मैं कहना दोस्तों, ये है क्लच वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, और इस तरह से एक वायर इससे अटैच करके निकालना है, और सिर्फ आपको स्टेप बता दे रहे हैं। मैंने तो क्लीनिंग कर लिया क्योंकि मेन इशू यहीं से लग रहा था, अभी तो इसका प्रेशर मैंने रिलीज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बोल्ट ओपन करके रखा है, प्रेशर भी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। तो ये जो वायर का टुकड़ा है इस दोनों हॉल में परफेक्ट तरीके से इसकी क्लीनिंग करना, अगर आपस में आर पार हो रहा है जब समझिए सही है। बहुत समय क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं, और एमसी किट डालने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और ब्रेक काम नहीं करता है। ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला होता है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसके एमसी किट को फिर से मैंने रिफिटिंग किया, आप चलिए इसके लॉक को असेंबल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं। तो इसकी एमसी किट को फिटिंग कर लिया गया, अब क्या करेंगे इसके अंदर ऑयल फिलअप करेंगे .3 का। अब क्या है कि यहाँ पे ही पहले पता कर लेंगे कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, देखिए बुलबुला आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पहले यहीं प्रेशर पता कर लें फिर इसके पाइपलाइन को असेंबल करके नीचे देखेंगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम जाएगा, प्रेस करते रहे, हार्ड हो गए लोग, ये देखिए ईयर रिलीज हो रहा है, वहीं से मेन ब्लॉकेज का होता है इशू। बहुत सारे मैकेनिक परेशान हो जाते हैं, नया एमसी किट डालें उसके बाद भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, तो ये चीज़ को ज़रूर चेक करें ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम्प्लीटली आप प्रॉब्लम तक पहुँच सकें। तो ये जो बुलबुला आपको दिख रहा होगा, जो बबल्स बन रही है, ये संकेत दे रहा है कि आपका ब्रेकिंग जो है रेडी है वर्क करने के लिए। ये देख पा रहे हैं जितने सारे एयर बबल्स निकल रहे हैं ना, वो यहाँ से जो ऑयल रिलीज हो रहा है उधर से बबल्स निकल रहे हैं। अब क्या है कि इसके पाइपलाइन को कम्प्लीट अटैच करते हैं और आपको कम्प्लीटली ब्रेकिंग दिखाते हैं, नीचे से कैसे ईयर को रिलीज करना है चलिए वो भी बताते चलते हैं। देखिए ब्रेकिंग, देखिए ब्रेकिंग, देखिए बहुत अब इसके बोल्ट को टाइट कर ले रहे हैं, दोनों साइड अपोजिट बाय अपोजिट रखना है आपको वॉशर। अब इसे टाइट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसके ब्रेक के जो है प्रेशर को रिलीज कर।